हेलो स्टूडेंट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, आई वुड लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने ऑपरेटर्स इन सी पढ़े थे तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बट अब बिफोर स्टार्टिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसका भी दे दूँ, ताकि समझने के लिए थोड़ा और ईजी हो जाए। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो हमारा इक्वल्स टू वाला सिंबल होता है, इसको हम एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, कि हमारा जो इक्वल्स टू है वो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। ओके, सॉरी, ऑपरेटर होता है। देन हम इसे यूज क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी वेरिएबल को उसको वैल्यू असाइन करा सकें। कोई भी हम वेरिएबल जो अपने सी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उसको वैल्यू असाइन कराने के लिए हमें ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। वेरिएबल इक्वल्स टू विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू और एक्सप्रेशन। हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू या एक्सप्रेशन हम देंगे उसको कैसे दे रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 10। अब इसका क्या मतलब होगा कि हमने जो ए वेरिएबल है उसको क्या वैल्यू असाइन कराई है? 10। मतलब ये जो 10 है इसकी वैल्यू इस ए के अंदर है। ओके, नाउ जो भी हमारी वैल्यू होती है वो ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब कि जो भी हमारी वैल्यू हमने दी है अपने वेरिएबल को, वो राइट टू लेफ्ट होगी। 10 जो हमारा राइट साइड में लिखा हुआ है RHS में, एंड जो हमारा वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो जो भी वैल्यू हमारी वो राइट से लेफ्ट में असाइन हो रही है। ओके, देन ये जो हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो लोएस्ट होती है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है? कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम प्रिसिडेंस ऑर्डर में चलते हैं। प्रिसिडेंस ऑर्डर मतलब कि प्रायोरिटी वाला जो हमारा ऑर्डर है, कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है सबसे पहले हम वो वाला काम करेंगे, और जिसकी लोएस्ट है उसको सबसे लास्ट में करेंगे। क्लियर? जैसे हम मैथ्स में क्या करते हैं, बॉड मास यूज करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन करेंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम ए के अंदर असाइन करते हैं। ओके, तो जो भी इधर की वैल्यू होगी वो ए में असाइन होगी। मतलब कि जो हमारा ये ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम सबसे लास्ट में हुआ। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं उसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी स्टेटमेंट जो हम अपने सी प्रोग्राम में दे रहे हैं, उसको जब हमें वैल्यू असाइन करानी होगी तो हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन कराने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो जब उस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्लियर? अब इसका जो फंक्शनिंग होती है, वो फंक्शनिंग इसकी कैसे स्टार्ट होती है, कि जो भी हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर देते हैं। क्लियर? इसका असाइनमेंट सिंटेक्स हम देखते हैं। सिंटेक्स हमारा वेरिएबल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वैल्यू या तो फिर एक्सप्रेशन जो भी होगा वो हमारा वेरिएबल के अंदर हम असाइन करा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया है, हमने ए को 10 वैल्यू असाइन कराई है, ये ले लिया हमने। या तो फिर हम कर कि हमने ए इज इक्वल्स टू सी प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो ये वाला भी एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये भी हम ए के अंदर असाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो ये कि जो भी डेटा टाइप हम वेरिएबल का यूज करेंगे, इस वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप होगा, सेम टाइप की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। लेट सपोज हमने ए क्या लिया है, इंटीजर लिया है, तो जो हमारी ए वैल्यू होगी वो भी इंटीजर ही होगी। इस वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब पॉइंट
3-2, हम ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर फ्लोटिंग हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, इंट ही लेना है। हम इसको ये ले सकते हैं, जो भी होल नंबर्स हैं हम वो ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, हमारा जो डेटा टाइप होगा हमारे वेरिएबल का, वही हमें वैल्यू का डेटा टाइप भी रखना होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, लाइक बी इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है, बी इज असाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मतलब जो भी हमारी सी की वैल्यू है वो हमने बी को असाइन कर दी है। देन नेक्स्ट इज ए इज इक्वल्स टू 9, मतलब कि ए इज असाइन बाय द वैल्यू 9, मतलब ए में हमने 9 वैल्यू असाइन कर दिया। देन हमने लिया है बी इज इक्वल्स टू सी प्लस 5, दैट मीन्स कि जो हमारा बी है उसके अंदर हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जो एक्सप्रेशन सी प्लस 5 है। ओके, इसकी वैल्यू हमने असाइन किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट दो टाइप से होती है, फर्स्ट इज सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड द अनदर वन इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट जो हमारी होती है, ये हमारे जब भी हम क्या करते हैं कि एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जब हम सिंगल टाइम इक्वल यूज करेंगे और सिंगल वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, मतलब कि सिर्फ एक वेरिएबल के लिए एक बार हम इक्वल यूज करेंगे तब हमारा वो स्टेटमेंट सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, सिंटेक्स इसका देखते हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू वैल्यू। एग्जाम्पल इसका, ए इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि हमने एक वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल के अंदर असाइन कराई है और एक ही बार हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ओके, देन नेक्स्ट इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को हम मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक से ज्यादा बार यहाँ पर इक्वल जो हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर उसको हम यूज करेंगे, हम इसको हमारे इस ऑपरेटर को मोर देन वन टाइम यूज करेंगे एंड फॉर मोर देन वन वेरिएबल यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं प्लस एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स देखते हैं, वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 3 इज इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है, सपोज हमने एक इंटीजर लिया है, इंट डेटा टाइप हमने लिया है और ए बी सी हमने तीन यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं। अब इन तीनों वेरिएबल को हमें क्या करना है, सेम वैल्यू असाइन करनी है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे किया ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, तो इससे क्या होगा, तीनों को एक साथ में सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। सो अब कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड असाइनमेंट यहाँ पे यूज होगा प्लस एक्सप्रेशन में। सो जो भी एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन में अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है एक्सप्रेशन, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन होता है। क्लियर? अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय अदर देन वन। मतलब कि अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं ए, इसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है या तो फिर डिक्रीज करनी है अदर देन वन। अदर देन वन मतलब वन से कोई भी अलग, जो हमारे पास है 2 times करनी है, 3 times करनी है या हमें 4 times करनी है, हमें जो भी वन को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज की इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ओके, सो जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था तो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या कर रहे थे, ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे ए प्लस प्लस जब हम कर रहे थे, यहाँ पे वैल्यू जो है ए प्लस वन हो जा रही थी। क्लियर? ए प्लस वन हो रही थी। जैसे सपोज अगर ए का हमने लिया, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 है, तो ए प्लस प्लस जब हम करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा।
उसी तरह से अगर हम करें ए माइनस माइनस, सो ए माइनस माइनस में क्या होता है कि वैल्यू माइनस वन हो जाती है. सपोज अगर ए की वैल्यू हमारी 10 है तो ए माइनस माइनस यूज करने के बाद ए की जो वैल्यू होगी इक्वल्स टू 9 हो जाएगी. क्लियर? तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में था कि हम वहां पे वैल्यू बाय वन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम अदर देन 1, 2, 3, 5 एक्स वाई जेड जितना भी हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तब हम ये यूज करते हैं. सो हमारे पास 4 टाइप ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेट ऑपरेटर्स आते हैं. फर्स्ट इज प्लस इक्वल, अनदर इज माइनस इक्वल, देन मल्टीप्लाई इक्वल, देन डिवाइड इक्वल. ओके, सो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने एक ले लिया a इज इक्वल्स टू 10 है. क्लियर? अब हमें क्या करना है, a प्लस 5 करना है. दैट मीन्स a की वैल्यू हमारी कितनी है 10, प्लस 5 करना है. हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी. अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्लियर? इसका भी सेम ही मतलब होगा कि a प्लस इक्वल 5, मतलब कि a इज इक्वल्स टू अब कितना हो गया हमारा 15. ओके ओके, सो आगे देखते हैं. हमने यहाँ पे फिर से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारा जो प्लस इक्वल है ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और इक्वल ऑपरेटर है. देन हमारा जो फर्स्ट ऐड करेंगे हम एंड देन इक्वल कर देंगे. अगर जो भी हमारी वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, तो जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि ए की वैल्यू कितनी है इनिशियली 5 है, देन हमने क्या किया, ए प्लस इक्वल 5, दैट मींस ए इक्वल्स टू ए प्लस 6 हमने किया है. सो ए की वैल्यू 5 है तो अब ए कितना हो जाएगा 11. क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस इक्वल है, मतलब कि माइनस और इक्वल सिंबल ऑपरेटर्स को यूज करके ये बना हुआ है. इसमें भी सेम होगा, हमने ए की वैल्यू कितनी लिया है 8 और हम माइनस 6 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी. ओके, ए माइनस 6, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तो हमारा ए कितना आ जाएगा 2. क्लियर? सिमिलरली हम मल्टीप्लाई के साथ करेंगे. पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक एग्जांपल कि हमारे को ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई इक्वल 6, मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 30. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट टाइप इज डिवाइड इक्वल. सो डिवाइड इक्वल क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइड एंड इक्वल ऑपरेटर है. सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. बट जब हमने असाइनमेंट्स के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि हम ये इसलिए यूज करते हैं ताकि ये थोड़ा मेमोरी में स्पेस कम ले. ओके, ये इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पूरा तरह से जो ए है इसकी जो स्पेस है उसको हमने सेव कर लिया, वो अब हमें मेमोरी में स्पेस नहीं लेना पड़ेगा अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं. राइट? देन हमने क्या किया है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू हमने ली है 6 एंड देन हमने डिवाइड किया है बाय 2, तो ए को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से, तो 6 ये हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू 6 थी, तो हमारा आंसर आ गया 3. क्लियर? सो ये हमारे 4 टाइप्स थे कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन के. देन दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट स्टेटमेंट. इन दिस वी हैव कवर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, देन कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन. आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.